हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले कि बीटेक में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सारे सेमेस्टर में, एक पहले सेमेस्टर लेके सात आठवें सेमेस्टर जो लास्ट वाला है वहाँ तक कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो देखने वाले हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं। जो पहला सेमेस्टर है उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिसे M1 कहते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स है, उसके बाद सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर जो है उसमें EM2 है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, उसके बाद इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, उसके बाद OOPS होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिक डिजाइन होता है। उसके बाद जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें आपको M3 रहता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, माइक्रो प्रोसेसर है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। और जो पांचवा सेमेस्टर है उसमें आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बाद थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, उसके बाद सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी है, उसके बाद सेमिनार एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन भी आपको सिखाया जाता है। उसके बाद जो छठा सेमेस्टर है 6M, तो उसमें आपको डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स अभी के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये सब्जेक्ट वो है, उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी, उसके बाद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद इंटर्नशिप करनी पड़ती है आपको 6 महीने के लिए वो भी है, उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल्स है। और जो सातवां सेमेस्टर 7M है उसमें आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स सिखाया जाता है, उसके बाद डेटा एनालिटिक्स ये भी अभी के लिए बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये भी पॉपुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद जो लास्ट वाला है 8 सेमेस्टर उसमें आपको मशीन लर्निंग सिखाया जाता है, पॉपुलर सब्जेक्ट है अभी के लिए, पाइथन में बहुत ज़्यादा यूज होता है मशीन लर्निंग। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी है, उसके बाद कंपाइलर्स, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग है, और जो मेन प्रोजेक्ट रहता है आपका इंजीनियरिंग का वो प्रोजेक्ट भी इसी सेम में रहता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये जो मैंने बताए हुए है पुणे यूनिवर्सिटी के, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के, तो आप आपके हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी से चेक कर सकते हैं।